नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं हूँ बोकारो से दिनेश पाटिल। आप देख सकते हैं कि जो इस तरीके से जो आज दो दिनों से लगातार दो दिनों से जो रुक रुक कर बारिशें हो रही है, बारिश के बाद पूरा शहर जो है जलमग्न हो गया है और यातायात व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई है। पीछे के तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो लोग जो यहाँ जो पहुँच रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी पानी में पानी का सामना करके आ रहे हैं। पानी के बीचों बीच लोग चल रहे हैं और गाड़ियाँ भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि दो पहिया जो वाहन है इधर से आना जाना बिल्कुल एक तरीके से बंद हो गया है। जो लोग इस रास्ते को जानते हैं वो लोग तो किसी तरह लोग इधर से उधर करके और फिर पहुंच जा रहे हैं। जी आप बताओ कि किस तरह की जो परेशानी, क्या परेशानी? बहुत परेशानी है सर जी। यहाँ जो है ना बहुत रात दिन पानी रहता है, यहाँ हमेशा कभी सफाई नहीं होता है, बहुत कचरा रहता है और इतना पानी रहता है रात को आने में इतना दिक्कत होता है। हम लोग तो दुकानदार आदमी है, रात को जाते हैं 8 बजे, बहुत पानी इतना रहता है कि रात को जाना मुश्किल हो जाता है। देखिए विस्तार की कहा जा सकता है कि जिनकी घर इस तरफ है और ये तमाम लोग आप देख सकते हैं जिस तरीके से, और खाना पूर्ति भी एक तरह से ये कहा जा सकता है कि खाना पूर्ति भी प्रशासन द्वारा किया गया है। यानी जो BSL प्रबंधन है, कल इस मामले को देख लीजिए आप, जो कार आ रहा है देखिए कैसे आ रहा है, और कार जो है आधी कार लगभग बूट जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी अब दूसरा कोई इशारा नहीं बचने के कारण इस तरह के जो व्यवस्थाएं जो है, इस तरह की जो पानी जो है, पानी के बीच लोगों को आना जाना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि बेशक ये परेशानियों का सबब है और बोकारो जो है पूरा जलमग्न हो गया है। और जिस तरीके से जो प्रशासन जो है नहीं होता है, हमेशा आप देखिए जो लोग इधर से जो आ रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। क्या बताओ, हर साल होता है, हमेशा प्रॉब्लम ड्यूटी आने के लिए ड्यूटी नहीं जा पाते, गाड़ी नहीं निकल पाता, इसमें पर डे का नियम है, एक दिन का नहीं है। देखिए वैसा की कहा जा सकता है, गाड़ियां नहीं निकलती है घरों से लोग भाई से गाड़ी नहीं निकालते हैं, साइकिल की सवारी कर रहे हैं। इन लोगों को जो है अगले सुबह ड्यूटी जाना होता है, इसके बाद रात को फिर या तो नाइट शिफ्ट होता है, तो इनको काफी परेशानी होती है क्योंकि 10 बजे तक इनको घर जाना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में आइए हमारे साथ और लोग, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं क्या परेशानी है इन लोगों को। लेकिन ये बेशक कहा जा सकता है कि BSL प्रबंधन जो कल यहाँ JCB लगा करके और नालियों को जो क्लियर कराने की बात कर रही थी, वो बिल्कुल एक तरह से कहा जा सकता है कि वो खाना पूर्ति है। जी आप बताओ क्या परेशानी है आपको? बहुत परेशानी है सर, पानी बहुत है भरा हुआ पुल में, गाड़ी नहीं जाता है। देखिए गाड़ी नहीं जाता है, ये अपनी गाड़ी भाई के बाहर से यहाँ से खड़ा किया हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से पानी का सामना करके आ रहे हैं, ये आप बताओ कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी है। डेली इसके लिए बोला जा रहा है लेकिन बनता नहीं, बहुत परेशानी है। क्या इसमें हर दिन दुर्घटनाएं भी होती है? बहुत ज़्यादा होते हैं। बेशक ही कहा जा सकता है कि जो लोग इस रास्ते को जानते नहीं है, जो लोग ये जानते नहीं है कि इस पानी में गड्ढा कहाँ है, वो गड्ढे में जाकर के गिर जाते हैं। देखिए साइकिल चला पाना मुश्किल है इन लोगों के लिए, पैदल साइकिल से आना पड़ता है। लंबी दूरी कम से कम ये कहा जा सकता है कि 400 मीटर से अधिक पानी जो है लंबे दूरी में है। और आप ये भी देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग जो परेशान हैं और परेशानी जो पानी में, आप देख सकते हैं कि क्या परेशानियां हैं। आप पानी में आपको प्रवेश करके इस बात को दिखा रहे हैं कि देखिए जिस तरह से पूरे शहर जो है जलमग्न हो गया है और शहर के कई स्थानों पर ये कहा जा सकता है कि इस तरह के जल जमाव है। लेकिन तब है कि जिला प्रशासन की कुंभकर्णी नींद कब खुलेगी, ये एक अहम सवाल है और लोग इस सवाल की जवाब भी जिला प्रशासन से मांग रहे हैं। लाइव लगातार बोकारो से दिनेश कुमार पांडे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।